धीरूभाई अंबानी जी है ना, करीब 1960s में वो जब भी मुंबई आए थे ना, तभी वो लोग है ना सबसे पहले यही वाली बिल्डिंग के फोर्थ फ्लोर पर रहा करते थे। मुकेश अंबानी जी भी एंटीलिया बनने से पहले यही वाले बिल्डिंग में रहा करते थे, उनका पूरा बचपन यही वाले बिल्डिंग में बीता है। ये उनके फैमिली का पुराना घर है मुंबई के भुलेश्वर एरिया में। हाय गाइस, आज के ब्लॉग में मैं आपको लेकर आया हूँ मुंबई के भुलेश्वर एरिया में, और मैं ना आपको दिखाने वाला हूँ धीरूभाई अंबानी का पुराना घर। जो आप मेरे पीछे ये बिल्डिंग देख रहे हो ना, आप बिलीव कर सकते हो ये वाली बिल्डिंग में है ना पहले धीरूभाई अंबानी रहा करते थे, और मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी अपनी वो पूरी फैमिली के साथ है ना वो यही वाली बिल्डिंग में रहा करते थे। ये बिल्डिंग का नाम है ना जयहिंद एस्टेट है, और ये भुवनेश्वर में लोकेटेड है। धीरूभाई अंबानी जी है ना, करीब 1960s में वो जब भी मुंबई आए थे ना, तभी वो लोग है ना सबसे पहले यही वाली बिल्डिंग के फोर्थ फ्लोर पर रहा करते थे। अभी मैं ना आपको वही फ्लोर पर, फोर्थ फ्लोर पर लेकर चलता हूँ, और आपको दिखाता हूँ कि वो कौन सा वाला घर था जहाँ पर धीरूभाई अंबानी रहा करते थे। यहाँ से यही वाला, यहाँ पर एक एंट्रेंस बना हुआ है जो कि छोटा सा एंट्रेंस है, और काफी ये है ना एक पुरानी बिल्डिंग है। तो अभी चलते हैं हम ऊपर की तरफ, और मैं आपको ऊपर से है ना उनका घर का पूरा नजारा दिखाता हूँ। बिल्डिंग के अंदर आते हैं ना कुछ ऐसा नजारा, यहाँ पर स्टेयरकेस बने हुए हैं, और देखो यहाँ पर एक लिफ्ट भी है। तो अभी हमें ना लिफ्ट के थ्रू चलते हैं अभी ऊपर की तरफ। अभी हम लोग बिल्डिंग के फोर्थ फ्लोर पर आ चुके हैं जहाँ पर धीरूभाई अंबानी रहा करते थे, और यहाँ पर ये कॉमन पैसेज बना हुआ है जैसे टिपिकल घर मुंबई में हुआ करते हैं। और ये एक्चुअल वही वाला घर है जहाँ पर धीरूभाई अंबानी है ना रहा करते थे, लेकिन आज के टाइम पर तो देखो यहाँ पर और कोई है ना फैमिली यहाँ पर रहती है, क्योंकि धीरूभाई अंबानी को तो काफी साल हो चुके, ये वाला घर उन्होंने छोड़ दिया था। उसके बाद कई सारी फैमिलीज ये वाले घर में आकर रहती थी, इसलिए काफी बार ये घर है ना रेनोवेट भी हुआ है। लेकिन देखो आज के टाइम पर इतने बड़े बिजनेस टाइकून जो बने, उन्होंने यही वाले घर से शुरुआत की थी, वो यही वाले घर में रहा करते थे। देखो अभी हम लोग वापस है ना नीचे की तरफ आ चुके। मैंने आपको जो ऊपर का नजारा दिखाया, जो मैंने आपको एक्चुअल घर दिखाया ना, वो वही वाला घर था, लेकिन यहाँ के लोकल लोग मुझे बता रहे थे कि यहाँ पर अभी तो कोई दूसरी फैमिली ऑफकोर्स रहती है। अभी हम लोग ऊपर गए थे ना, तो यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने ये भी बताया कि अंबानी फैमिली ना आज भी उनको है ना काफी सारी अच्छी डील्स ऑफर करती है। यहाँ पर जो एक्चुअल घर के प्राइसेस है ना, उनसे डबल ट्रिपल द प्राइस ऑफर करती है उनको ये घर सेल करने के लिए। लेकिन वो है ना यहाँ पर जो ओनर यहाँ पर रहते हैं ना, वो यहाँ पर अभी तक सेल करने के लिए रेडी नहीं है ये घर ना। अंबानी फैमिली है ना ये वाले घर को परचेज करने के लिए काफी सारे ऑफर्स भी कर रहे हैं। ये बिल्डिंग के बारे में है ना खुद मुकेश अंबानी जी ने भी है ना अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया था। उसी के बाद जाकर है ना तो सभी लोगों को मालूम पड़ा था कि वो लोग सबसे पहले मुंबई आए ना तभी यहाँ पर रहते थे। मैं आपको ना धीरूभाई अंबानी की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ, वहाँ से आपको कुछ थोड़ा सा आइडियाज मिल जाएगा कि वो लोग यहाँ पर रहा करते थे। धीरूभाई अंबानी है ना बॉर्न हुए 1932 में गुजरात के चोरवाड एरिया में, छोटा सा गाँव है, वो गाँव में भी उनका है ना आज भी एक घर मौजूद है जिसका मैंने एक ब्लॉग बनाया, आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो भी चेकआउट कर सकते हैं उसका वीडियो भी। धीरूभाई अंबानी का ग्रेजुएशन हुआ, पढ़ाई कम्प्लीट होने के बाद है ना वो अपने फ्रेंड के साथ एडन गए थे, जहाँ पर वो एक अपने फ्रेंड के साथ पेट्रोल पंप पे काम किया करते थे। फिर काम करते करते उनको है ना पेट्रोल पंप पे मैनेजर की पोस्ट भी मिल गई थी, और जब वो एडन में थे तभी यहाँ पर मुकेश अंबानी जी भी बॉर्न हुए, और एक साल तक है ना वो लोग एडन में रहे। फिर जब भी मुकेश अंबानी एक साल के हुए ना तभी वो लोग वापस इंडिया रिटर्न आ चुके थे। धीरूभाई अंबानी अपनी पूरी फैमिली को लेकर मुंबई में आ गए, और फिर मुंबई में उन्होंने अपना स्पाइसेस और टेक्सटाइल में बिजनेस स्टार्ट किया, और उन्होंने अपनी सबसे पहली ऑफिस भी है ना मुंबई के मस्जिद बंदर एरिया में सेटअप की थी, वो भी भुवनेश्वर से ना काफी ज्यादा नजदीक है। और जब भी मुंबई आए ना तो वो लोग सबसे पहले ना ये जो जय हिंद एस्टेट वाली मैंने आपको पूरा घर दिखाया, बिल्डिंग दिखाई, वो यहीं पर सबसे पहले रहने के लिए आए थे। धीरे धीरे जाकर है ना उन्होंने अपने काफी सारे अपने बिजनेस एक्सपांड किए, और जब भी मुकेश और अनिल उनके दो बेटे जब बड़े हुए तो वो भी है ना उसके बिजनेस में ज्वाइन हो गए। फिर उनका बिजनेस काफी ज्यादा एक्सपांड होने के बाद है ना यहाँ पर जो करीब 80s या 90s में है ना उन्होंने मुंबई में के कोलाबा में सी विंड नाम की एक बिल्डिंग है जहाँ पर आज भी अनिल अंबानी रहा करते, तो उन्होंने है ना ये वाली बिल्डिंग में उन्होंने पूरी बिल्डिंग परचेज की। फिर वो लोग है ना ये जहिंद एस्टेट वाली बिल्डिंग छोड़कर अपनी पूरी फैमिली को लेकर वो सी विंड नाम की बिल्डिंग में रहने लगे। फिर वहां पर जब भी रह रहे थे तभी फिर धीरूभाई अंबानी की डेथ हुई थी, दोनों भाइयों के बीच में पार्टीशन हुआ। फिर पार्टीशन के कुछ सालों तक है ना वो लोग सीविंड नाम की बिल्डिंग में रह रहे थे, लेकिन फिर है ना मुकेश अंबानी ने अपनी एक अलग से लग्जरियस बिल्डिंग तैयार की जिसका नाम एंटीलिया है, जो कि आप सबने देखी होगी। आप उसका भी ब्लॉग है ना मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। करीब 2011-12 में है ना मुकेश अंबानी अपनी पूरी फैमिली को लेकर है ना वो एंटीलिया में शिफ्ट हो गए, और अनिल अंबानी है ना आज भी है ना यहाँ पर वो सीविंड नाम की बिल्डिंग में रहते हैं। वो नाम की जो बिल्डिंग है ना उसके ऊपर भी एक ब्लॉग बनाया हुआ है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो इनकी घरों की जर्नी तो यही कुछ रही, और फिर उनकी आप टोटल जर्नी जानना चाहते हो तो फिर उनके बारे में भी है ना मेरे चैनल पर काफी सारे ब्लॉग्स अवेलेबल है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो बस गाइज अभी हमें ना ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। सो गाइज आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताना। सो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो क्लिक द बेल आइकन। So guys, stay safe, spread love and happiness, do whatever you want to do, but don't do the wrong thing. See you in the next video very soon. Till that time, goodbye.